कंबोडिया की क्रियांग ट्राइब में टीनेज गर्ल्स और डॉटर्स के लिए उनके एल्डर्स और पेरेंट्स लव हट्स बनाते थे। इन हट्स में टीनेज गर्ल्स इंडिपेंडेंटली रह सकती थी और वो अपने हिसाब से अपने सेक्सुअल पार्टनर के साथ सेक्सुअल प्लेजर एक्सप्लोर कर सकती थी। उन्हें पूरी इंडिपेंडेंस थी कि वो किसी भी ट्रैवलर के साथ सेक्स करके अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ सके। इस रिचुअल को 2008 तक परफॉर्म किया गया था और किसी को भी इससे कोई इशू नहीं था, बट इट वॉज स्टॉप्ड इन 2008 बिकॉज मोर ट्रैवलर्स स्टार्टेड विजिटिंग द प्लेस एंड इंसिडेंट्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज लाइक रेप स्टार्टेड हैपनिंग। ऑल्सो क्योंकि कंबोडिया चाइना और इंडिया से वाटरवेज के थ्रू कनेक्टेड है, ऐसी सिमिलर प्रथा छत्तीसगढ़ के मूरिया ट्राइब में आज भी प्रैक्टिस की जाती है। डिडंट यू फाइंड दिस इंटरेस्टिंग? वेल, इफ यू डिड, देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एज आई ब्रिंग टू यू द मोस्ट स्ट्रेंज सेक्सुअल प्रैक्टिसेस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। सेक्स एंड स्पिरिचुअलिटी एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग को सेक्स से कई बार एसोसिएट भी किया जाता है। ऐसे ही एक बुद्धिस्ट मंक थे जिन्होंने भूटान में बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था, बट सेक्स के थ्रू। कहते हैं कि आज से 500 साल पहले द्रुक्पा कुंडली नाम के बुद्धिस्ट मंक थे जो सेक्स को स्पिरिचुअली इतना एंजॉय करते थे कि उनमें पावर आ गई थी कि वो कोई भी डीमनेस या राक्षसनी को गॉडेस में बदल सकते थे। उन्हें इसी की वजह से सेंट ऑफ 5000 वुमेन का टाइटल भी दिया गया था। चलो, ये तो बात हो गई एंशिएंट स्पिरिचुअल सेक्स की, पर क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने अपने सोल्जर्स को सेक्सुअली सैटिस्फाइड रखने के लिए क्या किया था? वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हिटलर के बारे में तो बहुत सी बुरी बातें सुनी है, पर जब नाजी गवर्नमेंट की बात आती है तो उन्होंने अपने सोल्जर्स को सेक्सुअली कभी अनसैटिस्फाइड नहीं रखा। ताकि एसटीडीज ना फैले, हिटलर ने अपने सोल्जर्स के लिए ब्लो अप सेक्स डॉल्स बनाई, मतलब कि ऐसी सेक्स डॉल्स जिनको इन्फ्लेट करके कभी भी और कहीं भी यूज किया जा सके। इन डॉल्स का एक बॉब हेयरकट हुआ करता था जो उस टाइम पे सेक्सुअल प्लेजर से एसोसिएट किया जाता था। कैन यू इमेजिन हेयरकट्स और सेक्स का भी कोई रिलेशन हो सकता है? इसका लास्ट प्रोटोटाइप फायर बॉम्बिंग में चला गया एंड उसके बाद इन डॉल्स की मैन्युफैक्चरिंग रोक दी गई। नेदरलैंड्स। डच पेरेंट्स अपने बच्चों की सेक्स लाइफ को लेकर काफी कंफर्टेबल हैं। उन्हें अपने घर में अपने बच्चों के फिजिकल होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो इसको लेकर इतने कूल हैं कि उनके कंट्री में इसको रोमांटिक स्लीपओवर का टाइटल दिया गया है। उनके टीनेजर्स को जब मन करे वो कंसेंट के साथ फिजिकल हो सकते हैं। पर हमें ऐसा भी लगता है ना कि अगर इतने लोग इंटीमेट हो रहे हैं तो टीनेज प्रेगनेंसी या एसटीडी तो सबको होती ही होगी, पर नहीं। रिपोर्ट्स के अनुसार यूएस में टीनेज प्रेगनेंसी और एसटीडीज का स्प्रेड नेदरलैंड से 6 गुना ज्यादा है। अनदर फन फैक्ट, 2014 में पूरे वर्ल्ड में सेक्सुअली सैटिस्फाइड लोगों पर एक रिसर्च की गई थी और इस रिसर्च में ऐसा पता चला कि इंडिया में 61% लोग सेक्स करने के बाद सैटिस्फाइड फील करते हैं, नाइजीरिया में 67% और मेक्सिको में 63%। एनीवे, आपको पीके का डांसिंग कार याद है? इंडिया में भले ये बिग डील हो, बट नेदरलैंड्स, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। वहाँ पर सेक्स ड्राइव-इन्स हैं। वहाँ ऐसा होता है कि कपल्स अपनी कार ओपन गैराज में पार्क करके इंटीमेट हो सकते हैं और विमेन को तकलीफ ना हो उनकी सेफ्टी के लिए वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स और अलार्म्स भी रखे गए हैं। और तो और, स्विट्जरलैंड में ऐसी जगहों पर डॉक्टर और सोशल वर्कर भी होते हैं जो आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। So these were some of the most interesting facts from around the world. We'll come up with more such videos. Until then, subscribe to Big Brain and make your brain bigger.